पंचभी कुरुते स्वार्थान पंच वेदात पंचभी एकस्तु षोड़ सेन तीन सप्त तीन स्वयं सप्त दशो श्रुते। कहते हैं कि हमारे इस शरीर में 17 तत्व है, 5 कर्मेंद्रिया, मुख पांव हाथ गुदा और जनेन्द्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिय कान त्वचा आंख नाक और जीवा, और 5 तन्मात्रा शब्द स्पर्श गंध रस और रूप। इस प्रकार से 15 तत्व है और 16वां तत्व है मन, और इस सभी तत्वों को चलाने वाला आत्मा है। आत्मा यह 16 तत्वों को चलाता है और आत्मा यह 16 तत्वों से इस संसार के भोग को भोगता है। इसे यह साबित करना चाहते हैं कि इस संसार में कई लोगों का प्रश्न है कि हम यदि इस शरीर से पाप करते हैं तो इस शरीर को ही दंड देना चाहिए। ये तो वैसा ही हुआ जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को तलवार से मार डाला और उसे कोर्ट के कटेरे में खड़ा किया गया और जज कहे कि तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। तब कटेरे में खड़े रहने वाला व्यक्ति कहे कि मुझे क्यों फांसी में लगा रहे हो, वध तो तलवार ने किया है, उसे फांसी पर चढ़ाओ। वास्तव में दूसरे व्यक्ति का वध तलवार से हुआ है, परंतु तलवार को चलाने वाला वह व्यक्ति है। वह तलवार एक इंस्ट्रूमेंट है, परंतु इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाले को दंड दिया जाता है। वैसे यह शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, परंतु 17वां तत्व जो आत्मा है, यह आत्मा इस शरीर के द्वारा इस संसार को भोगता है, पाप करता है, पुण्य करता है। इसलिए जो भी दुख और दंड दिया जाएगा इस आत्मा को दिया जाएगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि हम इस शरीर से पाप करते हैं तो शरीर को ही दंड मिलना चाहिए, और व्यक्ति शरीर को छोड़कर तो चला जाता है, फिर दंड का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। परंतु वास्तव में दंड का अधिकार आत्मा को है, क्योंकि आत्मा के द्वारा वह पाप किया है। तो इस प्रकार यमदूत विष्णुदूत को कह रहे हैं और अंत में कहते हैं, तदेत षोड शकलम लिंगम शक्ति तयम महत दत्ते अनुसंस्कृति पुंसी शोक भय भयार्ती दाम। व्यक्ति जब यह भौतिक शरीर धारण करता है, यह भौतिक शरीर ही व्यक्ति को दुख शोक और भय प्रदान करता है। आत्मा में कोई दुख नहीं है, आत्मा सच्चिद आनंद है, आत्मा नित्य आनंद में रहने वाली है। परंतु आत्मा को जब यह शरीर प्राप्त होता है तब दुखी होती है। वास्तविक हमें दुखी करने वाला हमारा ही शरीर है और कोई नहीं है। इसलिए एक भक्त बहुत सुंदर गाते हैं, शरीर अविद्या जाल। वास्तव में यह शरीर ही दुखों का घर है, यह शरीर से ही सबसे ज्यादा दुख मिल रहा है। यदि यह शरीर न हो तो हम बहुत सुखी रह सकते हैं। यदि शरीर न हो तो व्यक्ति भगवान के धाम में बहुत सुखी है। ये भौतिक पंच महाभूत के शरीर के कारण ही व्यक्ति दुखी है। अब सब लोग को बहुत थोड़ा बोरिंग लगता होगा क्योंकि सिद्धांत है। आइए तो एक कथा कह देते हैं। एक राजा, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन बीमार हो गए। इतने बीमार हुए बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। वैद्य आए, इलाज करते थे, ठीक नहीं होते थे। अंत में इस दुनिया के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया गया और राजा की नाड़ी पकड़ के कहा कि ओह, इसे तो कुछ नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। यदि कोई सुखी व्यक्ति का कुर्ता इस राजा को पहना दिया जाए तो यह राजा सुखी हो सकता है। बस इतनी सी बात। राजा के सभी सैनिक लोग सभी दिशाओं में चले गए और सुखी व्यक्ति को ढूंढने लगे। राजा को सुखी करना है, कौन व्यक्ति अपना कुर्ता नहीं देगा। सब लोग ढूंढने लगे आजू बाजू के गांव में, सब जगह पर, लेकिन कोई सुखी व्यक्ति ही नहीं मिला। सब लोग रोते हुए दिखाई दिए, मिलते थे, पूछते थे सैनिक लोग, आप कैसे हो, मजे में, फाइन।
लेकिन फिर और अपन नजीक जाकर पूछते थे कि कैसे चल रहा है घर बार, तो रोना शुरू कर देते जैसे हम लोग करते हैं। तो कोई सुखी नहीं मिला। अंत में है मंत्री बहुत उत्सुकता के साथ ढूंढ रहा था किसी सुखी व्यक्ति को। तो ढूंढते ढूंढते एक नदी के किनारे पर एक मछुआरा छोटा सा रुमाल बांधकर बैठा था और गाने गा रहा था प्रेम से खुश होकर। मंत्री ने सोचा कि इस संसार में सुखी व्यक्ति है तो यह है, क्योंकि गाना वही गाता है जो सुखी होता है, और वह भी खुश होकर। छोटा सा रुमाल, आप तो जानते हो मछुआरे महाराष्ट्र में बहुत छोटा सा रुमाल बांधकर बैठा था। तो मंत्री आया उसके पास और कहने लगा कि भाई साहब आप खुश हो? कहा हाँ मैं बहुत खुश हूं। कहा आपके जीवन में कोई दुखी नहीं है? अरे कोई दुख नहीं है। तो कहा कि आपका कुर्ता मुझे दो, राजा को पहनाना है। तब उसने कहा कुर्ता नहीं है इसलिए तो सुखी हूं। इस संसार में जितना कुर्ता वाले हैं सब लोग दुखी हैं, ये नहीं है इसलिए तो यहां पर सुखी हूं मैं। तो भक्तों ये कुर्ता और कोई नहीं, ये कुर्ता हमारा शरीर ही है। जब तक ये शरीर है तब तक दुख लगा रहेगा, तब तक जीवन में दुख रहेगा। लेकिन जैसे ही यह शरीर छोड़कर हम भगवत धाम में जाते हैं तो दुख से बच सकते हैं। तो यह शरीर अविद्या का जाल है, और इस शरीर में भी जो जीवा है तार मध्य जीवा यति लोभमय सुदुर्मति ही। इस शरीर में भी जो जीवा है ये तो बहुत लोभमय है, परंतु भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। ताके जेठा कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय। कृष्ण बहुत दयामय है इसलिए करीवारे जीवा जय। जीवा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। कृष्ण ने अपना प्रसाद दिया है तो प्रसाद खाओ, कृष्ण का गुणगान गाओ और अपने शरीर को सुखी बनाओ। तदेतत् षोडशकलम लिंगम शक्ति त्रयम महत। ये शरीर ही दुख का कारण है। और देह यज्ञो जिर्षद वर्गो नेश्चन कर्माणि कार्यते कोशाकार इवात्मानं कर्मणा अच्छद्य मुह्यति। ये शरीर वास्तव में यदि बुद्धि से सोचा जाए तो यह शरीर दुख का कारण नहीं है, परंतु यह शरीर में मैं बुद्धि कर लेना यह दुख का कारण है। ये शरीर को ही मैं समझ लेना यह सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जिस दिन से हम शरीर को मैं समझते हैं उस दिन से आसक्ति शुरू हो जाती है। शरीर को यदि हम मैं समझ लिए तो मैं और मेरा हो जाएगा, और फिर इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी हैं ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा समाज, मेरा मेरा करने लगेंगे। तो यही है दुख का मूल, शरीर को मैं समझना, और शरीर को मैं समझकर उस शरीर में आसक्त हो जाना, यह इंद्रियों को उसमें आसक्त कर देना, यह है सबसे बड़ा दुख का कारण। मतीन कृष्णे परत स्वतोवा मिथो विपद्येत गृह व्रता नाम अदांत गोभी विश्राम तमिस्त्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। अपनी इंद्रिया वश में न होने के कारण, शरीर को मैं समझने के कारण व्यक्ति इस संसार में पाप करता है, व्यक्ति इस संसार में कार्य करता है, और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए सभी दिशाओं में दौड़ता है। वे सोचता है कि धन में सुख मिलेगा तो धन कमाने में मेहनत करता है, सोचता है कि विवाह करके पत्नी से सुख मिलेगा तो विवाह करता है, विवाह करने के बाद सोचता है कि पुत्र पैदा करूंगा सुख मिलेगा तो चार पांच बच्चे पैदा करता है। इस प्रकार से वह इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि कोशकार इवात्मानम कर्मणा आच्छाद्य मुह्यति, जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बनाई हुई जाल में फंस जाता है। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, त्यजेत कोशस्कृ दिवे हमान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम उपस्थ जेहम महु मन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। जैसे रेशम के कीड़े को आप जानते होंगे, रेशम का कीड़ा जब अपना घर बनाता है तो अपने ही मुख से निकली हुई लार ग्रंथि से अपना घर बनाता है।
अपने ही मुख से लार को निकाल कर अपने आजू बाजू में घर बनाना प्रारंभ करता है और बनाते 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 एक दिन ऐसा घर बना लेता है कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं छूटता है। फिर वह रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में छटपटाकर तड़पते हुए अपने ही बनाए हुए घर में मर जाता है। ठीक उसी प्रकार हम ही अपनी ही बुद्धि से विवाह करते हैं, समाज बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर अपने ही बनाए हुए इस संबंधों में उसका पालन पोषण करने में कुटुंब पोषाय वियन निजायु सुबह से लेकर शाम तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक इसमें ही फंस जाते हैं। भजन भक्ति करने का समय नहीं रहता। व्यक्ति को चाहिए कि घर बनाए, गृहस्थी बनाए, परंतु उसमें एक ऐसा दरवाजा रखे कि कम से कम रविवार को मंदिर जा सके। कम से कम इतनी खिड़की तो छोड़ देनी चाहिए। हम यह नहीं कहते सब लोग ब्रह्मचारी बन जाओ, गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, परंतु उसी के साथ साथ कृष्ण की भक्ति भी होनी चाहिए। तो अपने ही कर्मों में व्यक्ति फंस जाता है और मर जाता है। लब्धा निमित्त व्यक्तम व्यक्ता व्यक्तम भवत्युत यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसा। संसार में सब लोग अपने माता पिता के स्वभाव की तरह बनते हैं। जैसे माता होते हैं वैसे ही पुत्री होती हैं, जैसे पिता होते हैं वैसे पुत्र होते हैं। सब लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। येष प्रकृति संगेन, तब विष्णुदूत ने पूछा कि आप लोग बस सब लोग को फंसाना ही जानते हो कि वहां से बाहर निकालना भी जानते हो? अब तक आपने 5 घंटा प्रवचन किया, यही किया कि व्यक्ति कैसे फंसता है, व्यक्ति कैसे पाप करता है। व्यक्ति को पाप से मुक्त कराना भी जानते हो कि नहीं आप, वह बताओ। तो यमदूत कहते हैं कि यदि पाप से बचना है, यदि नरक से बचना है, तो एक उपाय है। कहते हैं येष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्यय। इस संसार की माया के कारण, इस संसार की माया में फंसकर लोग पाप करते हैं, परंतु ये माया जिसकी है उसकी शरण में यदि कोई व्यक्ति चला जाए तो वह व्यक्ति माया से बच सकता है और माया से बचकर पाप करने से बच सकता है। आसीत स एव नचिरात। और यदि कोई, जैसे गीता में भगवान कहते हैं देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरक्तया, ये माया जो है मेरी शक्ति है और इस माया को पार करना, माया पर विजय प्राप्त करना दुरत्त है, बहुत मुश्किल है। परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, परंतु कोई मेरी शरण में आ जाता है तो माया मेताम तरंती थे, तो उस माया को पार कर सकता है और पार करने में देर नहीं लगेगा। नचिराद न चिराद, बहुत कम समय में केवल भगवान का एक बार नाम भी ले ले तो व्यक्ति इस माया से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जहां पर भगवान होते हैं वहां पर माया कभी नहीं होती है। कृष्ण सूर्य सम, भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया है अंधकार, माया अंधकार के समान है। जहां सूर्य होते हैं वहां अंधकार कभी नहीं होता है, जहां कृष्ण होते हैं वहां माया नहीं होती। और कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, अभिन्नत्वा नाम नामनी, इसलिए जहां पर कृष्ण का नाम होता है वहां पर भी माया नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो माया से बच सकता है और माया से बच गया तो भगवान नरक में जाने से वो बच सकता है और भगवान के पास जा सकता है। इस प्रकार से यमदूतों ने यह उत्तर दिया और कहा कि सब इसका अर्थ है कि सब लोग को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो ये विष्णुदूत पूछने लगे तो इसने ये तुम लोगों ने जिसको पकड़ के रखा है तो क्या इसने भक्ति नहीं की है? छोड़ो उसको। तो अजामिल को पकड़े हुए हैं और पकड़े हुए बोलते हैं कि आप नहीं जानते हो इसने क्या नहीं किया है। अब अजामिल की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि अयम ही श्रुत संपन्न, ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। हम ये नहीं कहते ये बहुत बुरा है, ये बहुत अच्छा था। अयम ही श्रुत संपन्न, बहुत बड़े वेद शास्त्र का अध्ययन किया था और शील वृत्त गुणालय, इसमें बहुत सुंदर आचरण था, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण थे। और घृत व्रतो, सभी व्रत को रहता था, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्र शनि रवि सब वार ये रहता था। कहते हैं घृत व्रतो, व्रत का अर्थ होता है सभी वार।
अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत गुणालय, ये जो बैठा है ना यहाँ पर, ये दिखा दिखा कर कह रहे हैं ये पापी अजामिल बहुत अच्छा था, सभी व्रत करता था, वेदों का अध्ययन करता था, वेदों का मंत्र जानता था और सत्य वाक सत्य ही बोलता था, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, पहले की बात कर रहे हैं, और मंत्र विच्छुसी सभी प्रकार के मंत्र को जानता था। इतना ही नहीं, गुरु अतिथि वृद्धानाम, ये गुरु की सेवा करता था, अतिथियों की सेवा करता था, अग्नि की सेवा करता था, वृद्ध लोगों की सेवा करता था, सुश्रुषु न अहंकृता, और इतनी इतनी सेवा करने के बाद भी इसके हृदय में अहंकार इतना भी नहीं था। अजामिल जब छोटा था उसका वर्णन कर रहे हैं, इतना अच्छा व्यक्ति था, और सर्वभूत सुहृद साधु, इस संसार के सभी जीवों के प्रति वे सुहृद था, सभी जीवों का कल्याण चाहता था, और मित वागन सूयक, किसी भी प्रकार की किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, किसी भी प्रकार की किसी की निंदा नहीं करता था, इतना अच्छा था यह। परंतु क्या बताए कि एक दिन ये जंगल में गया, पहले तो बताए कि अजामिल कितना अच्छा था, संपूर्ण शुद्ध था, परंतु एक दासो वनम यात पितृ संदेश कृत द्विज आदाय तत आवृत फल पुष्प समित कुशान, कि इतना सुंदर था यह अजामिल बचपन में, परंतु एक दा एक समय उनके पिताजी ने उसे वन में भेजा, और जब उसके अजामिल के पिताजी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे, उसे यज्ञ करना था, इसलिए अजामिल को बुलाकर कहा कि बेटा जाओ जंगल से यज्ञ करने के लिए कुछ लकड़े और घास लेकर आओ। देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यमदूत के द्वारा कि आज तक अजामिल को उनके पिताजी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, आज तक अजामिल के पिता को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा ये करो ये न करो, क्योंकि अजामिल इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना अच्छा पुत्र था कि पिता की मन की बात को जानकर पिता की इच्छा को पूरी कर देता था। पिता की इच्छा हो कि पानी का ग्लास चाहिए, पिता बोले उसके पहले पानी का ग्लास उसके हाथ में दे देता। तीन प्रकार के पुत्र होते हैं, पहली प्रकार के पुत्र जो पिता की मन की इच्छा को जानकर माता पिता के मन की बात को पूर्ण कर दे, माता पिता को बोलने का भी अवसर न दे। दूसरी प्रकार के पुत्र होते हैं, माता पिता आदेश देते हैं और उनका पालन कर देते हैं, परंतु थर्ड क्लास के पुत्र वो है जो माता पिता बार बार आदेश देते हैं, बार बार डांटते हैं, फिर भी उनके आदेश का पालन नहीं होता है, ये थर्ड क्लास के। और यदि जज किया जाए तो थर्ड क्लास का प्रमाण आज ज्यादा है। कारण यही है कि पाश्चात्य देश की संस्कृति हमारे देश में आ रही है, सब लोग टीवी के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से पाश्चात्य देश में जो हो रहा है वह स्वीकार कर रहे हैं, नहीं तो हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हुए जो अपने माता पिता की जीवन से मृत्यु पर्यंत सेवा किए, श्रवण कुमार इत्यादि, परंतु पाश्चात्य देश की संस्कृति बिगाड़ दिया सबको। हमारा भारतवर्ष में इतनी संस्कृति थी कि पुत्र अपने माता पिता की किसी भी स्थिति में किसी भी अवस्था में सेवा करता था, परंतु आज आप देखो जगह जगह पर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, हजारों हजारों बूढ़े बेचारे अनाथ हो चुके हैं, बालक हैं जिस बालक को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और बड़े होकर माता पिता को भेज दिया बाहर, ऐसे ऐसे पुत्र है। दूसरे की क्या बात बताऊं, आज से कई वर्ष पूर्व शाहजहां नाम के एक राजा थे, सबने नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाया, आज भी आगरा में है उसकी याद में। तो शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था औरंगजेब, और ऐसा पुत्र आया, ऐसा पुत्र कि अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, पिता को जेल में बंद करके खुद राजा बन गए।
और पिता जेल में बंद है। 6 महीने के बाद औरंगजेब ने कहा कि जाओ जाकर देखो पिताजी कैसे किस हालत में है। जब उनके सैनिकों ने जाकर देखा तो पिताजी जेल में बहुत खुश थे, शाहजहां बहुत खुश थे। तो आकर कहा, सरकार आपके पिताजी तो बहुत प्रसन्न है, खुश है। अच्छा, मेरे पिताजी प्रसन्न है, जाओ इसे भोजन और पानी देना बंद कर दो। औरंगजेब के पिता शाहजहां जेल में है, भोजन पानी बंद। 2-3 महीने के बाद औरंगजेब ने सोचा कि अब चलो मैं ही जाकर देखता हूं पिताजी किस हालत में है। औरंगजेब उस जेल में आया और जेल में आकर देखा तो बेचारे शाहजहां बहुत दुबले पतले हो चुके थे। और जेल में आकर पूछा, पिताजी कैसा लग रहा है? तब शाहजहां ने इतना ही कहा कि अरे दुष्ट दुष्ट, मुझे पता होता कि मुझे तेरे जैसा पुत्र पैदा होने वाला है, मुझे पता होता कि तेरे जैसा पुत्र पैदा होने वाला है तो मैं हिंदू बन जाता, क्योंकि हिंदू में मरने के बाद भी श्राद्ध और पानी और पानी अर्पण करते हैं, और तू तो जीते जी मुझे बिना भोजन के मार रहा है। आज भी देखो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, सब लोग श्राद्ध में अपने दादाओं को पितरों को भोजन कराते होंगे, परंतु जो पाश्चात्य देश की संस्कृति में फंस गए हैं वे लोग जीवित माता पिता को भी नहीं रखते हैं घर, मरे हुए की तो बात दूर रही। तो हमारे बच्चों को इस पाश्चात्य देश की संस्कृति से बचाना चाहिए और उसे भजन भक्ति सिखाना चाहिए। प्रायः मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे से अच्छा कपड़ा दीजिए, अच्छे से अच्छा भोजन दीजिए, परंतु यदि भक्ति नहीं सिखाते हैं तो कोई भरोसा नहीं है कि बड़ा होकर वह आपको रखेगा या नहीं रखेगा। क्योंकि आप देखो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए हो, तो वह तो निश्चित है कि आप विवाह भी पढ़ी लिखी लड़की के साथ कराओगे, और जब वो विवाह करके आएगी तो वही लड़की कहेगी कि देखो तुम्हारे माता पिता बहुत पुराने रिवाज के हैं, पुराने विचार के हैं, अब उसके साथ सेट नहीं हो रहे हम, तो एक काम करते हैं हम अलग से घर ले लेते हैं। इस प्रकार से आजकल चल रहा है, परंतु यदि अपने पुत्रों को भक्ति सिखाते हैं तो निश्चित वे अपनी सेवा करते हैं। तो यहां पर एक दासो वनम यात, अजामिल बहुत अच्छा पुत्र था, नंबर 1, पिता को कहने पड़े उसके पहले ही वह कार्य करता था। जीवन में पहली बार अजामिल के पिता ने उसे एक कार्य दिया कि जाओ और जंगल में जाकर लकड़ी लेकर आओ। अजामिल गया वन में, और वन में जाकर लकड़ी काटकर और फूल समेत कुशान लेकर उसका पोटला बनाकर वापस आ रहा था। आदाय तत् आवृत फल पुष्प समित कुशान। तो अजामिल यह सब कार्य करके सब लकड़ी कुशान इत्यादि लेकर जब वापस लौट रहा था, तब अजामिल के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, और वह अध्याय वह उसके जीवन में एक घटना घटने जा रही है, और वह घटना यह थी। ददर्श अजामिल जब वापस लौट रहा था तो अजामिल ने एक दृश्य देखा। इतना सुंदर गुणशील व्यक्ति, वेदों को जानने वाला, मंत्र को जानने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, जब जंगल से वापस लौट रहा था तो उसने देखा, क्या देखा? कामिनम कश्चित शूद्रम सह भुजिष्यया पित्वा च मधुमेरेयम मदा घुर्णित नेत्रया। अजामिल ने एक दृश्य देखा, और वह दृश्य क्या था? दृश्य यह था कि एक शूद्र पुरुष एक वेश्या के साथ शराब पिए हुए नाच रहा था, मदा घुर्णित नेत्रया, और दोनों की आंख मतवाली थी, दोनों ने शराब पी हुई थी, दोनों की आंख लाल हो चुकी थी, दोनों के आंख में नशे और दोनों के शरीर में नशा था, और दोनों नशे में होने के कारण ये अजामिल देख रहा है। मत्तया विश्लथ निव्या व्यपेतम निरपत्रपम क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनयांतिके। अजामिल वापस लौट रहा था तो उसकी एक नजर चली गई, वो एक नजर, एक दो सेकंड में उन्होंने क्या देखा?
कि एक पुरुष और एक स्त्री दोनों संग कर रहे हैं और दोनों वह पुरुष स्त्री के लिए गाना गा रहा है, जैसे आज के लड़के गाते हैं, और दोनों नशे में होने के कारण वह स्त्री के